शराब एक ऐसी चीज है ना जो आपके स्वास्थ्य को तो खराब करती ही है, साथ में आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को भी खराब करती है, आपके धन को भी जो है नष्ट करती है और परिवार को भी बर्बाद करती है। शराब से हर साल भारत में ही 26 लाख लोगों की मौत होती है। आप सोचिए शराब पीने से, शराब इतनी खराब चीज है। आज हमारे देश के युवा 20 साल से 39 साल की उम्र में शराब के या नशीली दवाओं के लत के शिकार हो रहे हैं और मरने वालों में आपको हम बता दें 13% लोग 20 साल से 39 साल के एज ग्रुप के हैं। शराब की लत क्यों पड़ जाती है, शराब ऐसी क्या चीज उसमें होती है कि लोग पीते हैं और वो उसके आदि हो जाते हैं, उसको छोड़ नहीं पाते हैं कभी। जैसे भोजन है, भोजन तो स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी चीज़ है, हम भोजन करते हैं, भोजन छोड़ नहीं पाते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं खाना भूल जाओ, खाना ही एक ऐसी चीज़ है जो नहीं आदमी भूल पाता है। लेकिन शराब, दारू जिसको बोल देते हैं आम भाषा में, गांजा, चरस, अफीम, सिगरेट, पान, बीड़ी, गुटखा, इन सब का लत लोगों को कैसे पड़ जाती है। आज इस वीडियो में आप यही जानेंगे कि शराब की लत लोगों को क्यों पड़ती है, कैसे लत लग जाती है शराब की, और कुछ विशेषज्ञों से भी हो सकता है कि हम लोग बात करें कि शराब पीने की लत कैसे लग जाती है। तो आपको हम बता दें कि आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप प्राप्त करेंगे कि शराब पीने की लत कैसे लग जाती है, इससे क्या बचाव के उपाय भी हो सकते हैं। अंत तक आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन एल्कोहल एंड हेल्थ एंड ट्रीटमेंट ऑफ सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर नाम की एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया गया कि दुनिया भर में शराब सेवन से हर साल 26 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। मरने वालों की यह संख्या एक साल में होने वाले कुल मौतों का 4.7% है। इसका मतलब कि दुनिया भर में हर 20 मौतों में से एक मौत जो है वो शराब की वजह से हो रही है, शराब की जिम्मेदारी से हो रही है। WHO की इस रिपोर्ट में के अनुसार इन्हीं मौतों में नशीली दवाओं और ड्रग्स के कारण जा रही जान को जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा बढ़कर 30 लाख से ज्यादा हो जाता है। इतना ही नहीं, ज्यादातर 20 साल से 39 साल के उम्र के युवा शराब और नशीली दवाओं के लत के शिकार हो रहे हैं। मरने वालों में से शराब के 13% शिकार युवा इसी आयु वर्ग से हैं, जिनमें से अधिकांश पुरुषों में जो है मौत दर्ज देखी जा रही है शराब की वजह से। शराब इतनी हानिकारक है, पुरुष जब समाज का चला जाता है तो उसके ऊपर जबकि तमाम जिम्मेदारियां होती हैं तो परिवार टूट जाता है, परिवार की क्या हालत होती है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि यूरोप और अफ्रीकी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा मौतें जो है वो शराब की वजह से दर्ज की गई हैं, यानी कि वहाँ के लोगों में शराब और नशीले पदार्थों के का सेवन करना आम बात हो गया है। ऐसे में सवाल एक जो सबके जहन में उठता है कि शराब या नशीले दवाइयों की लत क्यों लग जाती है, शराब पीने की लत क्यों लग जाती है, कि ऐसी लत होती है कि शराब नहीं मिलता है तो आदमी परेशान हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है कि हम आपको बताएं कुछ लोग गलत काम करने लगते हैं, चोरी करने लगते हैं, राहजनी करने लगते हैं शराब पीने के लिए, छोटी छोटी चोरियां करते हैं, जाके बेचते हैं और जो पैसा मिलता है शराब पीते हैं, भीख मांगते हैं, मतलब गलत काम करने लगते हैं, दोस्तों की हत्या कर देते हैं पैसे के लिए, शराब के लिए बीवी को मारते हैं, बच्चों से लड़ाई झगड़ा होती है वो भी शराब पीने। अरे आप अपने पड़ोस में ही देखा होगा या कहीं ऐसी जगह देखा होगा कि तमाम लोग ऐसे हैं, कुछ लोग तो फायदा उठाते हैं शराब पिलाने के बहाने, उससे काम ले लेते हैं किसी से, और कुछ लोग ऐसे हैं शराब के चक्कर में जो है काम धंधा सब अपना छोड़ देते हैं, इस तरीके की लत लग जाती है। लेकिन आपने सोचा कि ऐसा क्या होता है शराब में,
क्यों आखिर शराब के चक्कर में लोग जो है एक झटके में सब कुछ खोने को तैयार हो जाते हैं, उनको बस शराब चाहिए, शराब की लत क्यों लगती है? लोगों में शराब क्यों लगती है? इस मुद्दे पर शोध करने वाले प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस जनरल की रिपोर्ट कहती है, इसमें छपा हुआ था प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में, कि इंसानी शरीर में शराब या नशीली दवाइयों को लेने की लत जो है वो RASGRF2 नामक जीन प्रभावित करता है। फिर से सुन लीजिए, थोड़ा सा कठिन है, हमको भी पढ़ने में दिक्कत हो रही है। RASGRF2 नामक जीन होता है जो लत को प्रभावित करता है। अब हमने भी कुछ विशेषज्ञों से बात किया कि शराब की लत क्यों पड़ जाती है, सुनिए उन लोगों ने क्या कहा। शराब जो दूसरे मादक पदार्थ होते हैं उन्हीं की तरह हमारे दिमाग में एक मेसोलिम्बिक पाथवे होता है जो कि डोपामिनर्जिक पाथवे है, ये कि डोपामीन नाम के न्यूरोट्रांसमीटर से चलता है। तो अल्कोहल और दूसरे नशे जो वाले पदार्थ होते हैं वो इसी पाथवे के द्वारा हमारे शरीर में या मन में एडिक्शन कॉज करते हैं। जब हम अल्कोहल लेते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामीन का स्राव बढ़ जाता है जिससे हमें बहुत ज़्यादा शांति, सुकून और आनंद की अनुभूति होती है, जिस अनुभूति की पुनरावृत्ति के लिए व्यक्ति बार बार शराब की तरफ भागता है। शराब पीने की लत लगने का सबसे बड़ा कारण तो एक सामाजिक कारण है, जिसमें कि जब 18-19 साल की उम्र से ही बच्चा जो है वो अपने दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत शराब पीने लगता है, उसको मज़ा आने लगता है उस कंपनी में, ग्रुप में। तो वही चीज़ जब आगे बढ़ जाती है और वो ज़रूरत से ज़्यादा शराब पीने लगता है तो उसको लत लगना कहते हैं। शराब पीने की लत का कोई एक कारण नहीं होता, कई कारण होते हैं, और सबसे बड़ा कारण ये होता है कि तनाव जो होता है, तनाव, चिंता और सहपाठियों की सहभागिता, एक दूसरे के देखा देखी, और आजकल के बच्चों में शराब एक इंजॉय का फैशन हो गया है। पहले हम लोग ये देखते थे कि लड़कियां शराब नहीं पीती थी, आजकल आप जाइए बड़े बड़े कॉलेज में 99% मेल फीमेल चाहे जो भी वर्ग हो वो शराब पीता है। शुरू में वो इंजॉय करने के लिए पीता है कि इंजॉय करेंगे, थोड़ा सा यूफोरिया होगा, लेकिन बाद में इंजॉय करते करते वो उसकी लत बन जाती है, और ये लत धीरे धीरे करके उसका जो शरीर है उस शराब के उस डोज पे शरीर एक्लिमेटाइज हो जाता है, फिर उस शराब के बिना वो रह नहीं पाता। तो एक तो कारण ये हुआ कि तनाव हुआ, चिंता हुई, दोस्तों की देखा देखी हुआ कि तुम पी रहो यार मैं भी पी लूँ, और एक आजकल जो फैशन आ गया नया जनरेशन में, एक जाम से जाम लड़ाने का फैशन आ गया, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो इसीलिए अगर 26 लाख मौत आप आंकड़ा दे रहे हैं तो ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, और ये वाकई में चिंताजनक है। शराब का लत लगने के अनेकों कारण होते हैं, जैसे कि आपसी जो है घर परिवार में तनाव, अनिद्रा, बेचैनी या संगत का असर भी होता है। खासतौर पर युवाओं में देखा जाए संगत का असर, अपने दोस्तों यारों के साथ, अभी नए बच्चे हैं, न्यू जनरेशन है, शराब पीना का शौक के रूप में लेते हैं, बाद में वो आदत या लत पड़ जाती है जिससे कि वो छोड़ नहीं पाते। तो जैसे कि आपने स्थानीय विशेषज्ञ को सुना, लेकिन आपको हम बता दें, विशेषज्ञों का कहना है कि अगर किसी इंसान में RASGRF2 जीन मौजूद है, RASGRF2 जीन मौजूद है, तो निश्चित तौर पर शराब पीना उस व्यक्ति के आनंद को कई गुना बढ़ा देता है। शराब पीते उसका आनंद कई गुना बढ़ जाता है, ऐसे में वह व्यक्ति शराबी या आला दर्जे का पियक्कड़ हो सकता है। विशेषज्ञों ने यह भी पाया कि जिस व्यक्ति के शरीर में यह जीन नहीं होता है उसमें शराब पीने की इच्छा कम होती है।
बहुत शराब नहीं पीते हैं, कभी मौके को मौके पर पी लिया तो पी लिया, लेकिन ये उनकी वो नहीं होती कि नहीं नहीं शराब बिना पियो रह नहीं सकते। मैं पिछले 5 सालों में भारत में हुई मौतों का आपको आंकड़ा दे देता हूँ कि 2019 में 6,227 मौतें शराब पीने की वजह से हुई थी, 2020 में 7,115 मौतें हुई थी, 2021 में 8,430 मौतें हुई थी, ये बढ़ता जा रहा है, 2022 में 9,245 मौतें हुई थी, और अभी तक जो 2023 की रिपोर्ट है उसमें 10,210 मौतें शराब पीने की वजह से हुई थी। शराब इतनी ख़राब चीज़ है, इसको नहीं पीना चाहिए, लेकिन शराब बंदी नहीं हो रही। कुछ राज्यों ने पूर्णतः शराब बंदी अपने राज्यों में किया हुआ है, लेकिन शराब से इतनी रेवेन्यू मिलती है। अभी आप चले जाइए शहर में, जितनी मॉडल वाइन साइड की दुकानें हैं वो रात में गुलजार हो जाती है, इतनी भीड़ हो जाती है, लगता है यहाँ क्या सभी लोग यहीं पर हैं, क्या हो रहा है। एक आध जगह तो हम ही कंफ्यूज हो गए कि इतनी मोटरसाइकिलें खड़ी, इतनी कारें खड़ी, कोई बात है क्या। पत्रकार की जो कहते हैं ना उत्सुकता के, जब उस नज़र से देखा तो अरे तो दारू सब लोग खरीद रहे, शराब खरीद रहे। ये दीवानगी, ये लत जीन की वजह से। अब आपको हम बता दें, जीन पर जो है अध्ययन हुआ है और इस दौरान शोध हुआ है, विशेषज्ञों ने 663 बच्चों के मस्तिष्क का अध्ययन किया जिनमें इस बात का पता चल सके कि RASGF RAS2 जीन शरीर में डोपामाइन के प्रवाह को बढ़ाते हैं। डोपामाइन एक ऐसा रसायन है जो इंसानी मस्तिष्क में आनंद और खुशी को नियंत्रित करता है। डोपामाइन आदमी खूब आनंदित होता है डोपामाइन की वजह से, वही उसके जो है आनंद और खुशी को नियंत्रित करता है। शोध किए जा रहे बच्चों की उम्र लगभग 14 साल थी। रिपोर्ट के अनुसार इन बच्चों को इस तरह से काम दिए जाए जिसमें उनके मस्तिष्क का वेंट्रल स्टेम वाला हिस्सा ज़्यादा सक्रिय हो, क्योंकि यह हिस्सा डोपामाइन निकालता है। पूरे 2 साल रिसर्च के बाद ये बच्चे 16 साल के जब हो गए, शोध करने वाली टीम ने इनके शराब सेवन की आदतों के बारे में आंकड़े जुटाए। पाया कि जिन बच्चों में RSGRF2 जीन था वह कहीं ज़्यादा सहजता से शराब पी रहे थे, ज़्यादा आराम से पी रहे थे, उनको मज़ा आ रहा था। हालांकि लंदन के किंग्स कॉलेज के प्रमुख विशेषज्ञ प्रोफेसर हैं गुंटर इसकुमान का मानना है कि नहीं कहा जा सकता कि शराब पीने के कारण ही कारण यही है, क्योंकि अभी तक इससे पूरी तरह के सबूत जो है वो नहीं है। हम शराब पीने के लिए केवल या लत के लिए केवल एक जीन को ही कारक नहीं मान सकते, इसके साथ साथ और भी कारक हैं जिसमें आनुवंशिक प्रवृत्ति है, जन्मजात प्रवृत्ति है। शराब के लत को लेकर किए गए अलग अलग शोध में इस बात का भी जिक्र है कि अगर किसी व्यक्ति के परिवार में शराब की लत का इतिहास है उसे भी लत लगने की संभावना होती है, वो भी शराब का आदि हो जाता है। मैं आपको बताऊं, पिता शराब पी रहा है वो बच्चे को भी ऑफर कर देता है, बच्चा भी शुरुआत से पीने लगता है, ऐसी कई व्याख्या है। और जैसा कि मस्तिष्क का रसायन, शराब या नशीला पदार्थ इंसानी दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर के संतुलन को प्रभावित कर सकती है जिससे उस व्यक्ति को खुशी और संतुष्टि का अनुभव होता है शराब पीने के बाद। कई बार इस खुशी को बार बार अनुभव करने के लिए लोग शराब का सेवन करते हैं, ये भी एक कारण हो सकता है। मनोवैज्ञानिक कारण, साइकोलॉजिकल रीजन क्या है, तनाव, अवसाद, चिंताएं, अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं व्यक्ति के लिए व्यक्ति को शराब की तरफ आकर्षित करती है। अगर किसी व्यक्ति के लिए शराब या नशीली पदार्थ एक अस्थायी राहत का साधन बनता है तो वह धीरे धीरे इसका आदि हो जाता है। जैसे अपने बीच में ही तमाम लोग कहते हैं तनाव में यार एक सिगरेट पिलाओ, सिगरेट पिए थोड़ी देर के लिए उनका तनाव उनके अनुसार खत्म होता है, पता नहीं हकीकत क्या है, मैंने तो पी नहीं सिगरेट, लेकिन ऐसा सुना जाता है। लाओ सुरती खिलाओ, सुरती खाते हैं, है ना, अरे आज बहुत चिंता में थे, बहुत तनाव में थे यार, 2 पैग मैंने मान लिया, तनाव मेरा खत्म हो। ये 2 पैग 1 पैग करते करते एक दिन जो है इंसान को उसका आदि बना देता है। अच्छा, उसके अलावा तमाम सामाजिक और पर्यावरणीय कारक भी होते हैं, जैसे बहुत ठंडा कोई प्रदेश है तो उसमें अपने शरीर को गर्म रखने के लिए भी शराब पीते हैं। अभी जैसे दोस्तों में पार्टी हो रही है, आज इनकी जन्मदिन पार्टी
कल उनकी जन्मदिन पार्टी, परसों उनकी जन्मदिन पार्टी, ये समाज में हो रहा है। जन्मदिन पार्टी हो रही है तो लोग शराब पी रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं तो लोग शराब पी रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो सामाजिक संगति होती है और पर्यावरणीय कारक होते हैं, ये भी शराब पीने के लिए आपको प्रोत्साहित करते हैं। कुछ लोग इसके भी लत का जो कारण है शराब पीने की, ये भी एक कारण हो सकता है। यानी कि एक तो जीन के बारे में मैंने बताया, एक आनुवंशिकी प्रवृत्ति बताया, और मस्तिष्क का रसायन बताया, मनोवैज्ञानिक कारण बताया, और सामाजिक और पर्यावरणीय कारक भी हो सकता है। हमने डॉक्टरों से बात किया कि किसी को शराब की लत छुड़वाने का सही तरीका क्या हो सकता है, तो सुनिए डॉक्टरों ने क्या कहा। बिल्कुल, देखिए शराब जो सेवन करता है, एक शुरुआत में तो आदमी शौक के या कभी कभी सेवन करते हैं, बाद में उसको जैसे लत पड़ जाती है फिर उसको छोड़ना मुश्किल होता है, क्योंकि कई लक्षण ऐसे होते हैं जैसे शराब को तुरंत छोड़ना, निद्रा, बेचैनी, घबराहट, कंपन होने लगती है इसकी, उसको फिर से पीने लगता है। ऐसे केसेस में तो बिना दवाइयों के सहारे से आप शराब नहीं छोड़ सकते, लेकिन अगर आपको थोड़े दिन तक दवाइयों का सहारा लें, बाद में घर परिवार का सहारा बहुत जरूरी, क्योंकि ये दवाइयाँ तो कुछ दिन तक काम करी, जैसे रिहेबिलिटेशन सेंटर, रिहेबिलिटेशन सेंटर में क्या किया जाता है, कुछ दिनों तक दवाइयों से शराब छोड़िए, उसके बाद में रिहैब किया जाता है। रिहैब मतलब उनका वातावरण, उनका सोच विचार, एक्सरसाइज की जाती है। इसमें बिना दवाइयों के रोल में समाज का, घर का, परिवार का रोल ज़्यादा, जैसे कि घर वाले अत्यधिक जो तनाव का माहौल है उस वातावरण को बदले, उसकी परेशानियां समझें जिससे कि उसकी परेशानियां सॉल्व हो, और जो शराब के नशे में युवक जा रहा है वो अपने घर परिवार पे ध्यान दे। जैसे कि शाम को, अगर ज़्यादातर लोग शाम को शराब का सेवन करते हैं, उस समय अपने बच्चों को अटेंशन दें, अपने घर परिवार को जाएँ, दोस्तों का देखा रहें, खेल का वातावरण में रहें, जैसे खेल कूद में व्यस्त रहें, शराब का नशा अपने आप से भी कम हो। मुझे लगता है घर परिवार या समाज का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण है शराब का लत छुड़ाने में। देखिए शराब शुरू करना तो बहुत आसान होता है जब आदमी दोस्तों के साथ पीना शुरू करता है, लेकिन उसके बाद जब वो अकेले पीना शुरू कर देता है, एक लिमिट से ज़्यादा पीने लग जाता है, बिना किसी कारण के पीने लग जाता है, हर सुख दुख में अपने वो शराब पीने का कारण ढूंढने लग जाता है, उसको रोज़ पीने को चाहिए होता है, बिना शराब के वो उसका दिन नहीं चालू होता, दिन ख़त्म नहीं होता, या कोई भी शाम उसकी बिना शराब के ख़त्म नहीं होती है, तब वो स्थिति जो है भयावह हो जाती है, तो उसमें उसको छोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। जो व्यक्ति कभी कभार दोस्तों के साथ ले रहा है, शराब पी रहा है, एक समाज में उठने बैठने के लिए, थोड़ा सा एक हंसी ठट्ठे के लिए, मजाक के लिए कुछ ले रहा है, तो उसमें बुराई नहीं है इतनी, लेकिन जो व्यक्ति प्रतिदिन ले रहा है, रोज़ ले रहा है, बिना नागा के ले रहा है, एक सर्टेन अमाउंट से कहीं ज़्यादा ले रहा है, तो उसको छोड़वाना बहुत ज़रूरी होता है। और उसको छोड़ने के दो ही तरीके होते हैं, या तो व्यक्ति में इतना सेल्फ कंट्रोल, इतना डिसिप्लिन हो कि वो धीरे धीरे करके शराब की मात्रा कम करता हुआ उससे दूरी बना ले, और अगर वो ये काम नहीं कर पाता है, जो कि बहुत मुश्किल होता है एक बार आदत पड़ जाने के बाद, तो बिना डॉक्टरी सलाह करके शराब छोड़ना आदमी को खतरा हो पैदा हो सकता है, उसकी जान पे बन सकती है, क्योंकि जब अचानक से शराब छोड़ देने से दिमाग में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। शराब छोड़ने के बहुत सारे उपाय होते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिना किसी चिकित्सीय सहायता के भी शराब छोड़ लेते हैं, अपने मनोबल के द्वारा, परिवार के सदस्यों के सहयोग के कारण से। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो शराब छोड़ना तो चाहते हैं, लेकिन विभिन्न प्रकार की शारीरिक परेशानियां जो शराब छोड़ने से होती हैं, और विभिन्न प्रकार की मानसिक परेशानियां जो शराब छोड़ने से होती हैं, कि डर की वजह से और के परेशानियों की वजह से शराब नहीं छोड़ पाते, तो ऐसी दशा में विभिन्न प्रकार के उपचार उपलब्ध हैं, जो कि दवाओं के माध्यम से भी होते हैं, काउंसलिंग और साइकोथेरेपी के भी माध्यम से होते हैं। और शराब को छुड़ाना बहुत ही आसान प्रक्रिया है, बशर्ते जो है व्यक्ति शराब छोड़ने के लिए पूरा मोटिवेशन रखे, दवाइयाँ वगैरह सब समय से खाए, और डॉक्टर द्वारा बताए गए परामर्श का सही से पालन करे। हाँ, शराब पहली बात तो हम लोग को काउंसलिंग शुरू से करना चाहिए बच्चों को कि शराब पिए ही नहीं, तो शराब को छुड़ाया जा सकता है पूरी तरह। सबसे प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में हम काउंसलिंग करें, शुरू के स्टेज में ही प्रिवेंट करें,
जब बाद के स्टेज में जब शराब आदमी एक बार पीता है, एक पैक पीता है, फिर दो पैक पीता है, फिर वो रात को पीता है, नींद नहीं आती तब पीता है, फिर वो दिन में पीता है, फिर वो चारों प्रहर शराब पीता है, और जब चारों प्रहर पीता है तो फिर लीवर खराब होता है, और लीवर खराब होता है तो जैसे आपने आंकड़ा दिया कि 26 लाख मौत होती है तो उसी तरह होती है। तो जैसा कि आपने सुना कि डॉक्टर साहिबानों का कहना है कि कैसे शराब छुड़ाई जा सकती है, लेकिन किसी चीज़ की जब लत पड़ जाती है ना, वो उतनी आसानी से छूटती नहीं है। इसको छोड़ने के लिए बहुत ही मनोबल की आवश्यकता होती है, ऐसा मनोबल कि आपने अब वही, या तो भी डॉक्टर बता दे कि भाई आप पियेंगे तो बचेंगे नहीं। तमाम लोगों को मैंने ऐसे देखा, डॉक्टर ने बताया भी आप शराब पियेंगे, दारू पियेंगे, गांजा पियेंगे, चरस लेंगे, अफीम लेंगे, कोई भी नशा करेंगे तो आप बचेंगे नहीं। कुछ दिन तक तो वो ठीक रहते हैं, सबसे कहते हैं कि मैंने छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया, फिर चालू कर देते हैं, और अचानक एक दिन खबर मिलती है, अरे यार फलाने तो अब नहीं रहे। तो लेकिन शराब पीना बहुत ही हानिकारक है, क्यों इसकी लत पड़ती है इसको मैंने आपको बताया, उसके कारणों को बताया, कुछ डॉक्टरों से बात किया। हम आपको ये भी बता देते हैं शराब पीने से क्या क्या हो सकता है शरीर में। पहले तो फैटी लीवर, स्टोरोसिस हो सकती है, स्टिटोरोसिस हो सकती है, फैटी लीवर हो सकता है आपका, या लीवर में वसा की जमाव के कारण उत्पन्न होता है, आपको हाइपरटेंशन होता है, ब्लड प्रेशर भी जो है आपको हो सकता है। शराब पीने से कैंसर भी हो सकता है, मुंह का, गले का कैंसर भी हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है, पाचन तंत्र की समस्याएं आ सकती हैं ज़्यादा शराब पीने से, आपको गैस्ट्राइटिस हो सकता है, अल्सर हो सकता है, मानसिक बीमारियां हो सकती हैं जिसमें जो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं, आपको न्यूरोपैथी संबंधित बीमारियाँ हो सकती हैं, न्यूरो सिस्टम को तो सबसे पहले शराब जो है प्रभावित करता है, स्मृति दोष डिमेंशिया हो सकती है, ज़्यादा शराब पीने से आपको भूलने की बीमारी हो सकती है, और विटामिन B1 की कमी हो सकती है इससे जो है। तो इस तरीके से शरीर में हमारे शराब पीने से तमाम बीमारियां हो सकती हैं। अब मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करूं आपसे, भारत में भी शराब की लत एक बड़ी गंभीर समस्या है। अलग अलग रिपोर्ट और सर्वेक्षणों की माने तो भारत में 16 से 64 साल के पुरुषों में लगभग 30% लोग नियमित रूप से शराब का सेवन करते हैं। सोचिए कि इक्का दुक्का नहीं, कभी कभार नहीं, नियमित रूप से। पुरुषों की तुलना में भारत में महिलाओं में शराब का सेवन कम है, लेकिन यह संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। जब से आधुनिकता की तरफ देश बढ़ रहा है तो महिलाएँ भी जो है दारू पीने की तरफ जो है बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। शराब के सेवन के कारण लोगों में लिवर रोग, हृदय रोग, कैंसर रोग जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा शराब की लत मानसिक स्वास्थ्य की बड़ी नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसके नियमित सेवन से अवसाद, चिंता और आत्महत्या जैसे जोखिम भी बढ़ जाते हैं। शराब की लत के कारण जो है वो पारिवारिक समस्याएं जैसे घरेलू हिंसा हो गई, तलाक हो गया, बच्चों को उपेक्षा बढ़ जाती है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट को अगर हम माने तो भारत में लगभग 30% भारतीय महिलाएं घरेलू हिंसा का सामना करती हैं, और इसमें से कई मामलों में शराब की भूमिका होती है। शराब के सेवन में हिंसक व्यवहार और अराजकता बढ़ जाती है, जिससे महिलाओं और बच्चों पर शारीरिक और मानसिक अत्याचार होते हैं। हमारे देश में सरकार ने शराब की खपत को कम करने के लिए कई अलग अलग कदम उठाए हैं, जैसे कि शराब की बिक्री पर टैक्स बढ़ा दिया है, इतना टैक्स कर दिया है कि आम आदमी ना खरीद सके, लेकिन बिक्री सबसे ज़्यादा शराब की होती है। शराब की दुकानों की संख्या सीमित कर दिया है कि ज़्यादा शराब की दुकानें नहीं रहेंगी, ज़्यादा शराब नहीं मिलेगा तो लोग ज़्यादा शराब नहीं पियेंगे, और जागरूकता अभियान चलाते हैं मीडिया के द्वारा और सब माध्यम से जो है कि शराब पीना हानिकारक है, उसके बोतलों पर भी लिखा रहता है, हर जगह नशा मुक्ति केंद्र खोले गए हैं, और बिहार है, गुजरात है, ऐसे कुछ राज्यों में शराब की बिक्री और खपत पर तो पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया, अभी हालांकि पूरे देश में नहीं लगा है। अगर हम फैमिली हेल्थ सर्वे की बात माने, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की 5वीं रिपोर्ट को माने, इसके अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा शराब का सेवन अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। यहाँ 52.6% पुरुष और 24.2% महिलाएं शराब का सेवन करती हैं। इस लिस्ट में दूसरा नाम तेलंगाना का है, जहां 43%
और सिक्किम में 39.9%, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 38.8%, मणिपुर में 37.2% लोग मदिरा पान करते हैं, शराब का सेवन करते हैं। इन राज्यों में शराब उपभोग की दरें सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। हालांकि शराब की लत क्यों पड़ जाती है और शराब नीति पर या शराब लोग ज़्यादा न पिए इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए या इसका कोई विकल्प हो सकता है, इस पर भी हम विशेषज्ञों से बात करें, देखें उन्होंने क्या कहा। सरकार चाहे तो बहुत बड़े स्तर पे इसके खिलाफ मुहिम चला सकती है। हम लोग देखते हैं कि शराब की दुकानों पे कोई लगाम नहीं होती, वहाँ कोई पार्किंग की डिमांड नहीं होती कि यहाँ पार्किंग की डिमांड नहीं है। कोरोना काल में भी जब पहली बार कोई दुकान खुली थी तो आपको याद होगा शराब की दुकान खुली थी, क्यों? क्योंकि शराब राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है। दिल्ली में आज इतनी राजनीतिक घमाघमी हो रखी है, क्यों? कि शराब पे टैक्स हटाया गया, बढ़ाया गया, उसमें जो भी किया गया, क्योंकि उससे राजस्व का बहुत बड़ा स्रोत होता है। तो सरकार की एक मंशा ये होती है कि हम इस राजस्व को अपने हाथ से न जाने दें। आपको अपनी मंशा को सही करना पड़ेगा। बिहार भी ठीक है, उसने पाबंदी लगाई, लेकिन एक बहुत बड़ा ये साहसिक कदम था। आपको दूसरे उपाय ढूंढने चाहिए थे राजस्व के। आज आप देखिए कितनी मॉडर्न शॉप है, उन पर कोई लगाम नहीं है। वो स्कूल के बगल में है, वो हॉस्पिटल के बगल में है, वो सरेआम धड़ल्ले से शराब बिकती है। वहाँ ना पार्किंग की व्यवस्था होती है, ना कुछ होती है। वहाँ आप देखिए शाम को जो जितने युवा होते हैं उनका जमावड़ा होता है, वहाँ ना किसी की रोक टोक होती नहीं है। तो सरकार को सबसे पहले इस चीज़ पे लगाम लगाना चाहिए और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को जाहिर करना चाहिए कि हम वाकई शराब छुड़ाना चाहते हैं कि नहीं, आप कितने ईमानदार हैं। दूसरा, आज की जो युवा पीढ़ी है, जो काफ़ी मात्रा में 99% मैं बोल रहा हूँ युवा आज उस दिशा में बढ़ रहे हैं, तो हमको उसके लिए स्लोगन्स देने चाहिए सरकार को, कुछ सख्ती करनी चाहिए, कुछ बार में पाबंदी देनी चाहिए कि 18 साल का युवा है, 21 साल का युवा है, ये आप नहीं जा सकते बार में। पहले पाबंदी थी, लेकिन अब वो पाबंदी एकदम धाराशाही हो गई है, कोई देखता नहीं उसको। देखिए, शराब एक तरीके का पेय पदार्थ है और आज से नहीं, बहुत सदियों से आता रहा है और मनोरंजन के रूप में मनुष्य हमेशा से इस्तेमाल करता रहा है। अगर देखा जाए तो शराब ऐसे तो बैन कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप दूसरे नशे का साधन इस्तेमाल करेंगे। जहाँ भी शराब बैन है तो लोग दूसरे नशे का साधन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कैसे उसका नियंत्रित तरीके से लिया जाए, या अब या तो सरकार बंद करा दे, वो तो संभव आज की परिवेश में नहीं लगता। मुझे लगता है कि इसको बैठ के समाज के सुलझे हुए लोगों से बैठ के विचार विमर्श किया जाए, कैसे खासतौर पर युवाओं का मार्गदर्शन किया जाए, जैसे कि वो शराब में शुरुआत की लत में ना जाए, तो कंट्रोल वैसे ही समाज चले तो ठीक रहेगा। ऐसा बैन करके आज के समाज में शराब तो मुश्किल है, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं। गवर्नमेंट चाहे तो बिल्कुल शराब का मदिरा पे का बैन कर दे, शराब बिकना ही बंद हो जाए, लेकिन वो मुझे लगता है प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। जो चीज़ संभव हो उस पर बैठ विचार के ही किया जा सकता है, काफ़ी लंबी पॉलिसी इसके लिए विचार करना होगा। सरकार को जो भी चीज़ें करनी चाहिए उसमें बहुत सारी चीज़ें सरकार निरंतर कर रही है, जैसे कि सरकार ने ये नियम बनाया है कि शराब से संबंधित विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होते हैं आजकल, और शराब की जो दुकानें हैं वो भी जो हाईवे है उससे दूर कर दिया है सरकार ने, और इसी तरीके से बहुत सारे प्रयास सरकार कर रही है। कई जगह की स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे बिहार है, गुजरात है, जिसने पूरी तरीके से शराब को बैन कर दिया है। तो सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है और इन्हीं प्रयासों को निरंतर बढ़ाना है, ताकि जो प्रयास बिहार और गुजरात तक सीमित है वही पूरे देश तक फैले और शराब से हो रही नुकसान जो व्यक्तियों को आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक हो रहे हैं, उनसे आदमियों का बचाव हो सके। शराब से जो मौतें होती हैं मुख्य रूप से दो तरीके से होती हैं, पहले तो जहरीली शराब से, और दूसरा ये जिन लोगों की आदतें पड़ जाती हैं ज़्यादा शराब पीने की वजह से। दोनों का ही सलूशन जो है वो एक का सरकार के हाथ में है, दूसरा परिवार के हाथ में है।
जहाँ जहरीली शराब का धंधा चल रहा है, जहाँ पे नकली शराब बन रही है, उसको हर तरीके से रोकना चाहिए। जो लोग घरों में शराब बनाने लग जाते हैं उनको रोकना चाहिए, क्योंकि वो किस मात्रा में जहरीली शराब बना लेंगे उनको खुद नहीं पता होता। वो सालों साल गलत तरीके से शराब बना के लोगों को पिलाते रहते हैं, पर कभी एक लॉट ऐसा बन गया जिसमें कि मिथाइल अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा हो गई और वो जहरीली हो गई, उसमें न जाने कितने लोगों की मौत हो जाती है। तो कानूनन रूप से ये जो एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की तरह लोग शराब बनाते हैं, इसको हर तरीके से रोकना चाहिए, तभी आप शराब की मौतों को रोक सकते हो। और जहाँ पे जिन घरों में जो व्यक्ति पूरी तरीके से शराब का आदी हो चुका है, वहाँ पे परिवार का सबसे बड़ा रोल है कि वो आगे आए, डॉक्टरी सलाह ले, डॉक्टरों की मदद ले और शराब को किसी भी ढंग से छोड़वाए। तो जैसा कि आपने देखा कि शराब पीने की जो लत लगती है वो एक जीन की वजह से होती है, जिसमें RAS2 जीन मौजूद होता है, उनमें डोपामाइन ज़्यादा पैदा होता है और डोपामाइन की वजह से जो है व्यक्ति शराब का लती हो जाता है। लेकिन जिनमें यह जीन नहीं भी होता है उनमें तमाम ऐसी स्थितियां बन जाती हैं आदत के अनुसार, शौक के अनुसार, पारिवारिक प्रवृत्ति के अनुसार, जो शराब पीने की लत पड़ जाती है। मैं फिर एक बार कहूँगा लास्ट में, शराब बहुत हानिकारक है, आपका जो है सामाजिक प्रतिष्ठा को आपके कम करता है, आपके आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचाता है, साथ में आपके स्वास्थ्य को लाभ पहुंचा हानि पहुंचाता है, इसलिए शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। हालांकि डॉक्टर इस पर थोड़ा सा डिफर रखते हैं, वो कहते हैं कि कम मात्रा में शराब पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी हो सकता है, हार्ट के पेशेंट को लाभ भी पहुँचाता है, लेकिन कोई भी चीज़ हो ज़्यादा नुकसान करती है, अति सर्वत्र वर्जते, ये कहा भी गया है। शराब पूरी तरीके से हानिकारक नहीं होती, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि कभी कभी लेने में कोई बुराई नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने शराब पी लिया या महीने में एक दो बार पी लिया तो उससे कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। समस्या तभी आती है जब आदमी ज़रूरत से ज़्यादा लेता है, क्योंकि उस समय फिर वो शारीरिक समस्याएँ भी आती हैं, मेडिकल समस्याएं भी आती हैं, सामाजिक समस्याएं भी आती हैं, सभी तरीके की समस्याएं आती हैं जब आदमी ज़रूरत से ज़्यादा शराब लेने लगता है। बिल्कुल, शराब में जैसा कि किताबों में लिखा गया है और ख़ासतौर पे ठंडे परिवेश में, ठंडे वातावरण में, कोल्ड कंट्रीज में शराब का बॉडी को वार्म करने के लिए शराब का इस्तेमाल लोग करते हैं नियमतः, लेकिन उसकी एक लिमिटेड तय मात्रा होती है, जैसे कि 60 ml या 45 ml का अल्कोहल जो है उससे ज़्यादा का सेवन नुकसानदायक होता है। बल्कि ज़्यादातर रिसर्च में ये पाया गया है कि 45 to 60 ml का अल्कोहल सेवन से कोई शराब से नुकसान नहीं होता, किसी खास तरीके के वाइन से जो कि बल्कि इनफैक्ट कोलेस्ट्रॉल वगैरह वसा का मात्रा कम करती है उससे लाभ होता है। कोई भी पदार्थ, चाहे वो कोई भी पदार्थ हो, वो एक सीमा तक शरीर के लिए लाभप्रद होता है और एक सीमा के बाद शरीर के लिए हानिकारक होता है। इसीलिए कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि शराब एक सीमा तक फायदेमंद होता है और नुकसानदेह नहीं होता है, लेकिन ये निर्धारित नहीं होता कि किस व्यक्ति में उसकी आदत पड़ जाएगी। तो इसमें चूंकि आदत बनाने की टेंडेंसी होती है, इसलिए शराब का सेवन थोड़ी मात्रा में भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम थोड़ी मात्रा में भी शराब का सेवन कर रहे हैं तो हमारी ये संभावना बनी रहती है कि हम उसके आदि हो सकते हैं। देखिए, वेस्टर्न कल्चर से शराब की शुरुआत हुई, जब अंग्रेज आए तो उन्होंने भारतीयों को लत लगाई। हमारी संस्कृति ऐसी नहीं थी कि हम शराब पीने की हमें आदत थी। उनका अपने स्तर पे कहना ठीक था कि 28 ml तक अगर शराब कोई पीता है डेली तो वो हानिकारक नहीं होती है, 28 ml शराब आप पी सकते हैं। और जो वेस्टर्न कंट्री के लोग हैं वो उसी तक अपने आप को सीमित रखते हैं, उन्होंने लत तो लगा दी लेकिन इस लत को ये 28 ml तक रोक नहीं पाए। इसीलिए डॉक्टरों का कुछ कहना है कि भाई आप लिमिटेड क्वांटिटी में अगर शराब पीते हैं तो ये एक अच्छा कैलोरी का माध्यम होता है, अच्छा एनर्जी का माध्यम होता है और 28 ml तक आप पी सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं पी सकते, इसीलिए डॉक्टरों ने ये कहा है। लेकिन उसको लोगों ने उल्टा समझ कर और उस 28 ml को दरकिनार करके
दो पैक, तीन पैक, चार पैक, दिन में चार बार, पांच बार शराब पीते हैं लोग। अब खराब चीज खराब है, लेकिन कुछ मात्रा में अगर लिया जाता है तो सही है, ये डॉक्टर से कंसल्ट करके वो तो दूसरी चीज है, लेकिन शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और इसको नहीं पीना चाहिए। चलिए, ऐसे जागरूक हम लोग फिर करते रहेंगे, राजनीति से हटके देखते रहिए एमटी टॉक्स। धन्यवाद।